तेलंगाना के अंदर केसीआर की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है अपनी तानाशाही व्यवहार के कारण। भारत के संविधान को ताक पर रखकर मानव अधिकारों का और पॉलिटिकल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक राजनीतिक दल को यात्रा निकालने से रोका जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से शांति में जनता के मुद्दों को उठाते हुए वहां के सांसद और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय बंडी जी की जो यात्रा है, प्रजा संग्राम यात्रा, उस यात्रा में मिल रहे जन समर्थन से घबराकर तानाशाह केसीआर साहिब अपनी गिरती हुई साख से बचने के लिए, सरकार की गिरती हुई साख से बचाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को जबरन उन्होंने गिरफ्तार किया है और यात्रा को जबरन रोका है। ये लोकतंत्र की हत्या है, मानव अधिकारों की हत्या है, राइट टू स्पीच की हत्या है और केसीआर का तानाशाही शासन जनता की हर मुद्दे को दबाने लगा है। जनता के लगातार यात्रा में लोगों का समूह शामिल हो रहा है और केसीआर साहब घबरा रहे हैं। केसीआर साहब, आपकी इन तानाशाही व्यवहार से भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा और जनता के मुद्दे उठाने को आप रोक नहीं सकेंगे। प्रजा संग्राम यात्रा तेलंगाना की हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होगी और ये यात्रा आपके तानाशाही शासन, अहंकारी शासन, परिवारवाद व भ्रष्टाचार पर आखिरी कील साबित होगी। और संजय बंडी जी को जो आपने गिरफ्तार किया है, ये आपके लिए वाटरलू साबित होगा।